हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हिंदी किचन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बनाने वाला हूँ मसाला भिंडी फ्राई। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैं पहले से ही भिंडी धो काट रखा था। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मैं दो तीन काट के दिखा देता हूँ ताकि टाइम का बचे, तो इसलिए पहले ही काट दिया था। तो बीच से हम भिंडी का कट लगाएंगे, फिर उसको छोटा सा टुकड़ा कर लेंगे, फिर कट लगाएंगे बीच से, फिर टुकड़ा कर लेंगे। हमारा भिंडी छोटा छोटा है दोस्तों, इसलिए मैं दो टुकड़ा कर रहा हूँ। आप लोग अपने भिंडी के हिसाब से टुकड़ा कर सकते हैं। छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा तो ये होता है कि उसमें मसाला अच्छे से भिन जाएगा दोस्तों, मसाला ऐड हो जाता है। इसके लिए दोस्तों हम ऐड करेंगे जो पहले से प्याजों को अपने धो के रखे हैं। तीन प्याज छोटा छोटा ऐड कर लिया हूँ, पाँच मिर्ची ऐड कर लिया हूँ दोस्तों। तीखी बनानी है स्पाइसी, इसलिए पाँच मिर्ची लिया हूँ। पाँच छः कली लहसुन ऐड कर लिया हूँ, पाँच छः काली मिर्च ऐड कर लिया हूँ साबुत, एक बड़ी इलायची ऐड कर लिया हूँ, थोड़ी सी अदरक ऐड कर लिया हूँ टुकड़ा छोटा छोटा काट के, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला ऐड कर लिया हूँ। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल, ज़्यादा हमें ऑयल नहीं लेना है। हमारा ऑयल गरम हो गया है दोस्तों। अब इसमें एक चम्मच हम ले लेंगे जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे दोस्तों हम प्याज, मिर्ची, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लहसुन जो काटे हैं, अदरक जो काटे हैं वो भी ऐड कर देंगे इसी में। ठीक है दोस्तों, ये उन भाई के लिए है जो बोलते हैं कि भिंडी हमें अच्छा नहीं लगता है। वो ऐसे एक बार भिंडी का सब्ज़ी बना के देखें दोस्तों, आप लोग प्लीज़ एक बार बनाइए। हम प्याज को अच्छे से भुनेंगे दो तीन मिनट। ये बहुत टेस्टी भिंडी का सब्ज़ी फ्राई लगता है, देख सकते हैं हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। दो तीन मिनट हम प्याज को फ्राई करेंगे। आप सब देख सकते हैं 3 मिनट हो गया, हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया। प्याज को हम निकाल लेंगे। इसको जार में हम डाल के पीसेंगे। आप सबके पास जार ना हो तो आप सब मतलब इसको अच्छे से छोटी छोटी कटिंग भी करके बना सकते हैं। कटिंग भी करके बनेगा, थोड़ी सी ऑयल उसमें ज़्यादा रहेगा। मैं मसाला इसमें डाल दिया दोनों। इसमें कढ़ाई में हम दो तीन चम्मच ऑयल ले लेंगे ताकि हमारा ऑयल भी गर्म होता रहे। हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दे रहे हैं, तीखा नहीं होता है दोस्तों। और एक चम्मच इसमें हम हल्दी ले लेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो गया, पीस लिया मैं। अब इसमें हम तेल में डालते हैं दो तेज़पत्ता। दोस्तों तेज़पत्ता धो के कभी भी यूज करना चाहिए, हम धो के यूज करते हैं। एक चम्मच हम ले लेंगे इसमें जीरा। अब इसको थोड़ा सा मैं भून दूंगा दोस्तों, देख सकते हैं हमारा जीरा भी अच्छे से भुन गया। अब इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे दोस्तों। हाँ, मैं उन भाइयों से बोलना चाह रहे हैं जो बोलते हैं कि हम ड्यूटी करके आ गए हैं, थक गए हैं। काफ़ी लोगों में देखता हूँ कि खाना नहीं बना पाते हैं, तो दोस्तों ऐसा प्लीज मत करो, क्योंकि हम खाने के लिए ही ड्यूटी करते हैं और सेहत के लिए, शरीर के लिए। जब हम बनाएंगे खाएंगे नहीं, सेहत हमारा सही नहीं रहेगा, तो हम ड्यूटी क्या करेंगे दोस्तों। मैं भी 12 घंटे ड्यूटी करके आता हूँ दोस्तों, और जो इच्छा करता है शाम को मैं बनाता हूँ, रात में देख सकते हैं आप सब। मैं अच्छे अच्छे मतलब डिश जो भी बना के खाना होता है वो बना के खाता हूँ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छे अच्छे बना के खाइए, सेहत सही रहेगा तभी आप लोग ड्यूटी करोगे। अब इसमें हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है दोस्तों, अब हम इसमें भिंडी ऐड करते रहें। ठीक है, भिंडी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए भिंडी में। हाँ दोस्तों, इसमें पानी थोड़ा भी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के हमें फ्राई करना है गैस स्लो करके। हाँ, मसाला पीसने में हम 2 से 3 चम्मच पानी केवल लिए थे, जो हमारा प्याज का पानी रहता है उसी से खूब अच्छे और तेल से फ्राई हो जाएगा ये। इसको 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, आप सब देख सकते हैं। अब इसको हम ढक देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को जो भी खाना हो आप लोग कमेंट कीजिए,
हमें कमेंट में लिखिए, मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा 10 मिनट हो गया, भिंडी हमारा कितना अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी आप सब देख सकते हैं, कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको खुला हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे केवल धनिया पत्ता दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देख सकते हैं दोस्तों मेरा भिंडी अच्छे से फ्राई हो गया, मस्त भिंडी बना है दोस्तों। आप सब भी बना के खाइए, चेक कीजिए, एक बार बनाओगे आप सब तो खुद आपको विश्वास हो जाएगा, आप लोग बार बार बनाएंगे। अब इसमें धनिया पत्ता हम कटिंग करके ऐड कर देंगे, टमाटर यदि आपको डालना हो तो डाल भी सकते हैं। अभी तो टमाटर इतनी महंगी है कि मैं टमाटर खाता भी नहीं और ज़्यादा यूज भी नहीं करता, इसलिए टमाटर यूज नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके तरफ टमाटर क्या रेट है, हमारे पास तो 200 रुपये किलो है टमाटर दोस्तों। चलिए हमारा सब्जी तैयार हो गया, अब गैस बंद कर देते हैं दोस्तों।